ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये आपके ENT का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूमर है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये चैनल बेसिकली प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए है, तो उसी के लिए हम लोग कंसर्न में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो 85% एडल्ट नेसोफेरिंजियल मैलिग्नेंसीज जो होती है कार्सिनोमा होती है, ठीक है ना। 85% की अगर आप लोग एक नंबर की तरह पे हम लोग देखें कि एडल्ट नेसोफेरिंजियल मैलिग्नेंसी क्या होती है, तो वो कार्सिनोमा होती है। कॉमन पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज ऑफ नेसोफेरिंक्स आर रैबडोमायोसारकोमा एंड लिम्फोमा। एडल्ट में कार्सिनोमा होगी और पीडियाट्रिक अगर मैलिग्नेंसी आई तो नेसोफेरिंक्स या रैबडोमायोसारकोमा और लिम्फोमा होंगी, ठीक है ना। तो पीडियाट्रिक अगर एज ग्रुप की बात करें कि हाँ इसमें नेसोफेरिंक्स की कौन सी मैलिग्नेंसी बहुत ही कॉमन होगी, तो आपका आंसर होगा रैबडोमायोसारकोमा एंड लिम्फोमा। 30% ऑफ द पीडियाट्रिक नेसोफेरिंजियल मैलिग्नेंसी आर कार्सिनोमा, राइट। तो क्या होता है, 70% अगेन आपका लिम्फोमा रैबडोमायोसारकोमा है, 30% दिस इज कार्सिनोमा, और 85% एडल्ट्स में ये है कार्सिनोमा अगेन इट्सेल्फ, राइट। रेस क्या होगा, रेस मोर इन चाइनीज लोग में ज़्यादा होता है। चाइनीज में क्यों ज़्यादा होगा, वहाँ पे नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा गुआडोंग प्रोविंस में वो ज़्यादा होता है, राइट, गुआडोंग प्रोविंस में। तो इसीलिए हम लोग इसको गुआडोंग कार्सिनोमा भी कहते हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमें जानने के लिए, अगर गुआडोंग प्रोविंस में कॉमन होगा तो इसका कोई इटियोलॉजी जेनेटिक हो सकता है, जैसे ये इट कैन रन इन फैमिलीज, राइट। सो ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये गुआडोंग कार्सिनोमा होता है या गुआडोंग प्रोविंस में, ये साउथ चाइना में कॉमन होता है। सेक्स क्या है, मेल क्रॉस ब्रीड रिस्पॉन्डेंस ज़्यादा है, मतलब कि ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, राइट। और फिर इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि एज, तो स्मॉल पीक मतलब कि एज में हम लोग क्या देखेंगे, 12 से 18 साल, और लार्ज पीक में 50 से 60 साल, मतलब ये होता है बाई मॉडल एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे बाई मॉडल एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि स्मॉल पीक 12 से 18, लार्ज पीक 50 से 60 साल। ग्रॉस में क्या, प्रोलिफरेटिव होगा, अल्सरेटिव होगा, इन्फिल्ट्रेटिव टाइप होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, प्रोलिफरेट भी कर सकता है, अल्सरेट भी कर सकता है, इन्फिल्ट्रेट भी कर सकता है, राइट। तो ये तीनों चीज़ें ये कर सकता है, प्रोलिफरेट, अल्सरेट एंड इन्फिल्ट्रेट, राइट। तो मतलब प्रोलिफरेट मतलब ग्रोथ होगी, अल्सरेट मतलब ग्रोथ के साथ अल्सर्स बनेंगे, ठीक है, मार्जिन्स, और इन्फिल्ट्रेट मतलब नीचे चली जाएगी, इन्फिल्ट्रेट कर लेगी। तो ग्रॉस में ये तीनों ही चीज़ें देखने को मिलेगी। हिस्टोलॉजी में 85% ऑफ द केसेस में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, 10% में लिम्फोमा है, 5% में मिक्स है। अब इसका क्या मतलब है, राइट। तो इसकी तीन टाइप्स होगी, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा तीन टाइप में प्रेजेंट कर सकता है, एक तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में, एक लिम्फोमा में, एक मिक्स में, ठीक है ना। 85% लेकिन क्या है आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, राइट, 10% आपके लिम्फोमा है, 5% मिक्स्ड है, राइट। इटियोलॉजी जेनेटिक, मोस्ट कॉमन इन चाइनीज पॉपुलेशन। अब चाइनीज पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंस मैं बता रहा था कि जेनेटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो HLA-A2 HLA-B जीन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं साइन टू हिस्टोकम्पैटिबिलिटी लोकस, राइट। तो कुछ जीन्स होती है जैसे कि HLA-A2, ठीक है ना, HLA-B, तो ये कुछ जीन्स होती हैं जो आपको बस याद रखनी है कि हाँ अगर आ जाए कि हाँ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चाइनीज पॉपुलेशन, तो इट कैन रन इन फैमिलीज एंड द जीन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस आर HLA-A2 एंड HLA-B, राइट। वायरल हो सकता है EBV, ठीक है ना, EBV मतलब एप्स्टीन बार वायरस, राइट। तो एप्स्टीन बार वायरस ये होता है, इसके एंटीजन का एंटीजन यूज फॉर स्क्रीनिंग, इसका एंटीजन हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, स्क्रीनिंग के लिए। इसके दो एंटीजन होते हैं, कैप्सेंट एंटीजन, एक अर्ली एंटीजन, ठीक है ना। अर्ली एंटीजन में EA आता है, कैप्सेंट एंटीजन में फिर अगेन दो में डिवाइड होगा, IgA, ठीक है ना, IgA और VCA। VCA होता है वायरल कैप्सिड एंटीजन, ठीक है ना। तो वायरल कैप्सिड एंटीजन जो है ये मोर सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव, और ये है क्या, मोर स्पेसिफिक। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आप लोग जानते होंगे, स्पेसिफिसिटी मतलब डिफाइन करता है कि हाँ ये यही हो सकता है, और सेंसिटिविटी आपको लोड बताता है, नंबर्स बताता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल क्या हो सकता है, एक्सपोजर टू नाइट्रोसामाइन्स, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है कि चाइनीज पॉपुलेशन में नाइट्रोसामाइन्स की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसके ड्राई सॉल्टेड फिश की वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होती है ना, तो इस कारण से वहाँ पे कॉमन है, राइट। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, स्मोक फ्रॉम इंसेंस एंड वुड, यहाँ इनके कारण भी हो सकता है, जैसे ये लोग जो
जो बंदे लोग इन सब इंडस्ट्रीज में, जैसे कि इंसेंस वाले इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको भी हो सकता है। स्मोकिंग इज अगेन अ रिस्क फैक्टर। क्रोनिक नेजल इन्फेक्शन और पुअर वेंटिलेशन ऑफ नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स की वेंटिलेशन थोड़ी सी खराब रह गई और क्रोनिक कोई नेजल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण से भी नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा प्रीडिस्पोज कर सकता है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके WHO क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। WHO क्लासिफिकेशन एज इन इसका जो है बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग टाइप वन देखेंगे। टाइप वन में केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। सेकंड टाइप में आएगा नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, और तीसरे टाइप में आएगा आपका अनडिफ्रेंशिएटेड अनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, राइट। तो क्या होता है, सबसे पहली बात कि अगर टाइप वन में आपसे सीधा सीधा पूछे केराटिनाइजिंग, नॉन केराटिनाइजिंग, अनडिफ्रेंशिएटेड, सबसे पहली बात तीन क्लासेस में डिवाइड हो गया, केराटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइजिंग ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, अनडिफ्रेंशिएटेड अनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। अनडिफ्रेंशिएटेड अनाप्लास्टिक में अनाप्लेजिया हो गया, ठीक है ना। तो अनडिफ्रेंशिएटेड वो एकदम हो गया। अब नॉन केराटिनाइजिंग में क्या होगा, अब ये लिम्फोइड के साथ प्रेजेंट कर सकता है या विदाउट लिम्फोइड के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अगर विथ लिम्फोइड स्ट्रोमा है तो लिम्फोएपिथेलियल हो गया, और विदाउट लिम्फोइड स्ट्रोमा है तो इंटरमीडिएट सेल हो गया, राइट। और इसी तरह अगर विथ लिम्फोइड स्ट्रोमा है तो लिम्फोएपिथेलियल अगेन, और विदाउट है तो यहाँ पे क्लियर सेल हो जाएगा, क्योंकि अनाप्लेजिया है ना। अनाप्लेजिया से समझ रहे हो, जो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, आपने अपने उसमें पढ़ा होगा एनसी रेशियो ये सब बढ़ जाती है और सेल का जो है स्ट्रक्चर चेंज सा हो जाता है, ठीक है ना, एनाप्लेजिया में, ठीक। ड्यू टू प्लोरिफ्रेशन, अपनी अगर आपने नियोप्लेजिया चैप्टर को अपनी पैथोलॉजी में फॉलो किया होगा, राइट। तो अगर विदाउट नॉन केराटिनाइजिंग विदाउट लिम्फोइड स्ट्रोमा हो तो इंटरमीडिएट सेल कहेंगे, और यहाँ पे अगर विदाउट अनडिफ्रेंशिएटेड के केस में विदाउट लिम्फोइड स्ट्रोमा रहा तो क्या कहेंगे हम लोग, क्लियर सेल, राइट। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। देखो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा की क्लिनिकल फीचर एज इन वो सब्सटेंशियल नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली जो और ट्यूमर्स जो जैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी इसी तरह प्रेजेंट करता है, लेकिन आप लोग इनिशियल स्टेजेस पे आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा ही है क्या, ठीक है ना। क्योंकि ये नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा अपना सिम्टम्स लेके नहीं प्रेजेंट करता, बहुत ही क्लियर और वेल डिफाइंड सिम्टम्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अपनी डायग्नोसिस बहुत अच्छी रखनी होगी। अगर आपको डीप लिम्फ नोड की पाल्पेशन मिले, डीप मतलब कि अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड की अगर स्वेलिंग मिले, तो इसका ये फर्स्ट सिम्टम है, ठीक है ना। तो यही बात मैं करूंगा। नेक्स्ट स्वेलिंग क्या होती है, बायलैटरल होती है, इनलार्ज्ड अपर एंड मिडिल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और पोस्टीरियर ट्रायंगल नोड्स, और इसको क्या कहते हैं, रोवियर साइन कहते हैं। रोवियर साइन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना कि हाँ ये रोवियर साइन इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये रोवियर साइन क्या होता है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल नोड्स में ये दिखेगा, और इनलार्ज अपर डीप सर्वाइकल, और ये फर्स्ट सिम्टम होता है, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम, राइट। ठीक, अब नेजल पे आते हैं। नेजल में क्या होगा, ईपीस्टैक्सिस, नोज ब्लॉक, नेजल डिस्चार्ज, ये हर जगह अगर आपको कहीं भी आपको इसका केस दिख जाए, कहीं भी एट्रोफिक राइनाइटिस ही ले लो, राइनोस्पोरियोसिस ले लो, या कुछ भी ले लो, ठीक है ना, राइनोस्पोरियोसिस हो गया, राइनोसाइनो मतलब कि अरे आपका सीएसएफ राइनोरिया, वाइनोरिया हो गया, तो अगर कुछ भी ट्रॉमा कुछ भी होता है आपकी उसमें एट्रोफिक राइनाइटिस या राइनोस्क्लेरोमा राइनोस्पोरिडियोसिस में, तो आपको इपिस्टैक्सिस इज द मोस्ट कॉमन फीचर देखने को मिलेगा। कुछ भी कर लोगे इपिस्टैक्सिस, राइट, तो यहाँ पे हमेशा दिखेगा, इपिस्टैक्सिस हो गया, नोज ब्लॉक हो गया, नेजल डिस्चार्ज हो गया। तो ऑटोलॉजिक क्या हो सकता है, कंडक्टिव डिफनेस या टिनिटस, अगर वो इसमें नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा जाके उधर पीछे चला गया और वहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, यूनिलैटरल नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा होता है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक किया, क्योंकि ये प्रेजेंट कहां करता है, फोसा ऑफ रोजन मुल्लर, इट प्रेजेंट्स इन द फोसा ऑफ रोजन मुल्लर, ठीक है। साइट इसकी क्या होती है, साइट इसकी साइट में लिख दे रहा हूं यहां पे, याद रखना इसको, साइट होती है फोसा ऑफ रोजन मुल्लर। फोसा ऑफ रोजन मुल्लर कहां होती है, स्टेकिन ट्यूब की बल्ज के पीछे। अब देखो अगर ये ट्यूमर ग्रो किया तो ये जो है उसके जो स्टैकिंग ट्यूब है उसको उसको उसके ऊपर दबाव डालेगा, उसको ब्लॉक करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सीरियस रोटाइटिस मीडिया के कारण क्या होगा, कंडक्टिव डिफनेस के कारण क्या होगा, टिनिटस, राइट। तो खत्म। ऑर्थोफ्थाल्मोलॉजिक क्या हो सकता है, अगर वो सुपरली प्रेजेंट किया आपका जो भी आपका नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, तो वो क्या करेगा, डिप्लोपिया करेगा, सिक्स नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण ऑप्थल्मोप्लेजिया कर सकता है, 3-4-6 प्रोप्टोसिस कर सकता है, ऑर्बिटल इन्वेजन, ब्लाइंडनेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 2, ठीक है ना, ये सब कर सकता है ऑप्थल्मोलॉजिक में, ठीक है। डिप्लोपिया, ऑप्थल्मोलॉजिया, ऑप्थल्मोप्लेजिया मतलब कि सारी आई मसल्स के मूवमेंट को ब्लॉक करेगा, प्रोप्टोसिस और ब्लाइंडनेस करा देगा। न्यूरोलॉजिक में जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम 9-10-11, ठीक है ना, अगर आपने ये फॉलो किया होगा अपने लेटर साइनस थ्रोम्बोसिस में, अगर नीचे आते हो तो वो इंटरनल जुगुलर वेन के अलावा 3 नर्व प्रेजेंट करती है, 9-10-11, ठीक है ना। तो इन्वॉल्व बाय लेटरल रेट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड, और ये लेटरल रेट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड को भी ये इन्वॉल्व कर सकता है, जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम करा सकता है, ठीक है ना। इतना याद रखो न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन क्या है, पहला जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम,
दूसरा अब ये करता है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में सिंपैथेटिक चेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अगर आपने पढ़ा होगा जो मैपल हाई मैपल वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है ना, हाँ मियोसिस होता है, और इस सब ऐसे करके आपने अगर हाई मैपल वाला मेमोनिक आपने अगर याद किया होगा हॉर्नर सिंड्रोम के लिए, तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ कि ये हॉर्नर सिंड्रोम का ये मतलब कि ये प्रेजेंट कर सकता है हॉर्नर सिंड्रोम की तरह, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं सीवियर हेडेक में, सीवियर हेडेक होगा, ठीक है ना, और ये स्कल बेस का इरोजन ये बेसिकली दिखा सकता है कि हाँ ये स्कल बेस का इरोजन हो गया। टॉटर स्ट्राइड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि टॉटर स्ट्राइड में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टेकिंग ट्यूब को ब्लॉक किया, तो स्टेकिंग ट्यूब को ब्लॉक किया तो कंडक्टिव डिफनेस, ऑब्वियसली कंडक्टिव डिफनेस होगी, ठीक है ना। इप्सिलैटरल टेम्पोरोपैराइटल न्यूरेलजिया या यहाँ पे ट्राइमेनल की डैमेज हो जाएगी, ठीक, इप्सिलैटरल पैलेटल पैरालिसिस या वेगस डैमेज होगी, ठीक है। तो इसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी मतलब कि जैसे कह सकते हो कि हाँ अगर कंडक्टिव डिफनेस है तो इसके कारण से ये होगा। तो फिफ्थ नर्व की मतलब कि फिफ्थ नर्व का डैमेज एक तरीके से अगर आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना, नर्व की न्यूरोल्जिया, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो एनपीसी, ठीक है, एनपीसी से याद कर सकते हो कि हाँ ये अपना न्यूरोल्जिया हो सकता है, पांच नर्व का डैमेज टॉटर स्टाइड में, और ये से हो सकता है। डिस्टेंस मेटास्टेसिस का एक डायग्राम आता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस मेटास्टेसिस का एक आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये है इसके हाँ, तो ये डिस्टेंस मेटास्टेसिस का डायग्राम है कार्सिनोमा नेसोफेरिंक्स का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बनाना, ठीक है ना। तो कार्सिनोमा फेरिंग्स क्या आ जाएगा, फोरामेन लेसेरम एंड फोरामेन ओवेल के थ्रू कहा जाएगा, ये ऑप्थेल्मिक सिम्टम्स कर सकता है, 3, 4, 5, 6 नर्व का इन्वॉल्वमेंट करा सकता है। स्टेकिंग ट्यूब के साथ गया है तो सीएस और ट्राइटस मीडिया करा सकता है। नोज एंड ऑर्बिट के पास गया तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एपिस्टैक्सिस और प्रोप्टोसिस करा सकता है। डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो गया सेकेंडरीज के कहाँ कहाँ ले जाएगा, लंग, लिवर, बोन, सर्वाइकल लिम्फ नोड, अपर जुगुलर, पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड, रेट्रोफेरिंजियल नोड्स के लिए कि कहाँ चला जाएगा, नेक पेन, स्टिफनेस करा देगा, पैराफेरिंजियल स्पेस में हॉर्नर सिंड्रोम, टेरॉइड मसल ट्रिस्मस करा देगा। तो क्या क्या ये हो सकता है, ऊपर गया ऑप्थेल्मिक, इधर गया थोड़ा सा अपने स्टेकिंग ट्यूब को इन्वॉल्व किया तो ये सीरोसोटाइटिस मीडिया, नोज एंड ऑर्बिट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एपिस्टैक्सिस प्रोप्टोसिस, डिस्टेंस मेटास्टेसिस में सेकेंडरीज, सर्वाइकल लिम्फ नोड में जो भी सर्वाइकल लिम्फ नोड है, रेट्रोफेरिंजियल में नेक पेन, पैराफेरिंजियल में हॉर्नर सिंड्रोम, टेरॉइड मसल का ट्रिस्मस, राइट। तो ये खत्म होता है आपका इसका स्प्रेड के बारे में। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या लगाओगे, नेसोफेरिंगोस्कोपी, डायग्नोस्टिक नेजल इंडोस्कोपी, ट्यूमर मास सीन इन नेसोफेरिंग्स, कॉम्बिनेसाइटिस, फेशिया फोसा ऑफ रोजेनमुल्लर, ठीक है ना। तो ये आपका ये कॉम्बिनेसाइट, हाँ ये बता रहा था मैं, फोसा ऑफ रोजेनमुल्लर है, तो यहाँ पे नेसोफेरिंजियल स्कोपी से हम लोग डायग्नोस्टिक नेजल इंडोस्कोपी से हम लोग ये देख सकते हैं कि ट्यूमर मास सीन इन नेसोफेरिंग्स, ट्यूमर मास कहाँ दिखेगा, नेसोफेरिंग्स में आपका ट्यूमर मास दिखेगा और आपका काम हो जाएगा, राइट। तो नेसोफेरिंजियोस्कोपी से क्या कर सकते हैं, ट्यूमर मास सीन इज नेसोफेरिंग्स और कॉम्बिनेसाइटिस फोसा ऑफ रोजेनमुल्लर, ठीक है ना। तो ये डायग्नोस्टिक नेजल इंडोस्कोपी की ये थोड़ी सी बात हो गई, ठीक है ना, नेजल इंडोस्कोपी में क्या क्या देखोगे, ठीक। अब इसके साथ क्या हम लोग कर सकते हैं कि नेसोफेरिंजियल ट्यूमर बायोप्सी कर सकते हैं सीन, और ब्लाइंड अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ब्लाइंड करो, एफएनएसी करो, ठीक है ना, एफएनएसी लगाओगे तो ऑकल्ट प्राइमरी दिखेगा, समझ में आ जाएगा। सीटी स्कैन कर दो फॉर ट्यूमर एक्सटेंट, स्कल बेस इरोजन, सर्वाइकल लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ तक है, एमआरआई करा सकते हो, इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन टेस्ट फॉर मेटास्टेसिस, सीटी चेस्ट, एब्डोमेन, बोन स्कैन, पेट स्कैन, एलएफटी, ये सब कर सकते हो। पेट स्कैन समझते हो मेटास्टेसिस के लिए, जो वो ग्लूकोज वाला एक तरीके से वो टेस्ट होता है, ग्लूकोज खा के देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ ट्यूमर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे दिख जाता है कि पेट स्कैन में कि स्टेजेस में मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ कॉमन है, राइट। टीएनएम स्टेजिंग में कहाँ कहाँ देखोगे, क्या क्या देखोगे, ट्यूमर नोड्स मेट्स के लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो ट्यूमर के लिए देखते हैं टी1 या ट्यूमर कहाँ का कन्फाइंड है, नेसोफेरिंक्स का ट्यूमर है, नेसोफेरिंक्स में कन्फाइंड है, पैराफेरिंजियल स्पेस अगर लैटरली जाए, पैराफेरिंजियल स्पेस हॉर्नर सिंड्रोम कहाँ, ठीक है ना, पैराफेरिंजियल स्पेस में लैटरली गया, ठीक है, पैराफेरिंजियल स्पेस हॉर्नर सिंड्रोम, इनवेड्स, बोनी स्ट्रक्चर ऑफ स्कल बेस, पैरानेजल साइनस, तो ऑप्थेल्मियोप्लेजिया, ऑप्थेल्मिक सिम्टम्स आएंगे, ऊपर अगर जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या कहता है, जुगलर फोरामेन सिंड्रोम, समझ में आता है, ठीक है ना, जुगलर फोरामेन सिंड्रोम था, ठीक है। और T4 में क्या आएगा, ट्यूमर विद इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन T4 में आएगा, और अगर ये स्कल बेस को, खाली स्कल बेस को, पैरानेजल साइनस को इन्वॉल्व करता है, पैरानेजल साइनस को ही पहले तो इन्वॉल्व करेगा, पहले तो स्कल बेस को जाएगा, ठीक है ना, पैरानेजल साइनस को इन्वॉल्व किया, फिर उसके बाद इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन होगा इसका, राइट। तो पहले तो स्कल बेस को इन्वॉल्व करेगा, फिर इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन गया, ठीक। अब नोट्स में क्या है, रेट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड, यूनिलैटरल और बायलैटरल हो सकता है रेट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड, और क्या हो सकता है, यूनिलैटरल मेडिसिन लिम्फ नोड लेस देन 6 सेंटीमीटर अबव सुप्राक्लेविकुलर फोसा, और यहाँ पे N3 में बायलेटरल मेडिसिन लिम्फ नोड लेस देन 6 सेंटीमीटर
ठीक है ना, बायलेटरल अगर ये हो गया सुप्राक्लेविकल फोसा में, अब मेडिसिन जो इसका 6 सेंटीमीटर से ज्यादा सुप्राक्लेविकल फोसा में, ठीक है ना, ये याद रखो। लेट्रोफेरिंजियल में यूनिलैटरल बायलेटरल, यूनिलैटरल कहाँ पे सुप्राक्लेविकल 6 सेंटीमीटर अगर कम से है, बायलेटरल मेट्स 6 सेंटीमीटर कम सुप्राक्लेविकुलर में, और मेडिसिन लिम्फ्रोड मोर देन 6 सेंटीमीटर सुप्राक्लेविकुलर फोसा में आ गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या देख सकते हो, अरे M0 में नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस, डिस्टेंस मेटास्टेसिस खाली रटने वाली चीज है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, रेब्डोमायोसारकोमा, लिम्फोमा, याद रखो कि हाँ ये होता है, क्योंकि रेब्डोमायोसारकोमा पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कॉमन होता है, लिम्फोमा भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कॉमन होता है। कितना परसेंट होता है उसमें, मतलब कि अपना नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा कितना परसेंट कॉमन होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, 10 से 15% मैक्सिमम, ठीक है ना, ठीक है, ज्यादातर मतलब कि 30% तक अगर मान सकते हो, अगर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 30% तक मान सकते हो। ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या क्या कर सकते हैं, टेलीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम, रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है ना, ये सब कर सकते हो। टेलीपैथी मतलब टेलीथेरेपी कर सकते हो, ब्रैकीथेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए दो याद नाम याद रखना, सिस्प्लैटिन और 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है ना। तो अगर 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 ठीक है ना, तो अगर ट्रीटमेंट मोडालिटी की अगर मैं स्टेज वाइज बात करूँ, स्टेज वन में कीमोथेरेपी, ये आपकी जो है मैरो का ज्ञान है तो याद कर लो। स्टेज टू के लिए कीमोथेरेपी अगेन, ओ आई गेस, ओ आई एम रियली सॉरी, रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और यहाँ पे कॉन्करेंट रिमोट रेडिएशन होगा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरे को अभी ध्यान आया, ठीक है ना, कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन, राइट, रेडियोथेरेपी के बाद ही ना कीमोथेरेपी आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की साइकिल्स पे देखते हैं। प्रोग्नोसिस में क्या है, WHO टाइप 2 N3 कार्सिनोमा है, गुड रिस्पॉन्स टू रेडियोथेरेपी बट एंड बेटर सर्वाइवल रेट टाइप 1 उसमें, क्योंकि केराटिनाइजिंग हो गया वो सर्जरी, मतलब कि और क्या ट्रीटमेंट बनाया थी, सर्जरी कर सकते हो, इम्यूनोथेरेपी अगेंस्ट EBV, EBV के अगेंस्ट इम्यूनोथेरेपी दे सकते हो, और प्रोग्नोसिस में 2 और 3 का गुड रिस्पॉन्स है, बेटर सर्वाइवल रेट है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा के बारे में, उम्मीद आपको पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।